मध्य प्रदेश के नीमच के एक फौजी के रिटायरमेंट पर उसके गांव वालों ने एक अनोखा स्वागत रखा। फौजी को अपनी हथेलियों पर चलवाकर देश और सेना के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया। आपको बता दें कि नीमच के जीरन गांव से 60 लोग फौज में नौकरी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक फौजी विजय बहादुर अपनी 17 साल की फौज की नौकरी से रिटायर्ड होकर जब अपने गाँव पहुँचे तो गाँव वालों ने उन्हें जबरदस्त सरप्राइज दिया। फौजी विजय बहादुर सबसे पहले शहर से गांव पहुंचे, जहां उन्हें गांव के प्राचीन मंदिर में दर्शन करने थे। उनके लिए गांव वालों ने कालीन की जगह अपनी हथेलियों को जमीन पर बिछा दिया, जिस पर चलकर फौजी गांव के प्राचीन गणेश मंदिर पहुंचे। गांव वालों ने फौजी का जुलूस निकालकर स्वागत भी किया। नीमच जिले के जीरन गाँव के विजय बहादुर सिंह भारतीय सेना में रहते हुए देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देकर 17 साल की नौकरी पूरी कर गाँव लौटे हैं। अपने गांव वालों का इतना प्रेम देखकर फौजी विजय बहादुर सिंह के पास अपने गांव वालों के लिए शब्द कम पड़ गए। रिटायर फौजी विजय बहादुर का कहना है कि उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं और आज जब वे नौकरी से रिटायर्ड होकर अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपनी हथेलियों पर चलाकर जो सम्मान दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। विजय बहादुर चाहते हैं कि अब रिटायर होने के बाद वे अपने गाँव के उन युवाओं को प्रशिक्षित करें जो फौज में जाना चाहते हैं। सी जो मेरे जीरन की जनता ने जो प्रेम सम्मान जो मान सम्मान मेरे को दिया है वो काफ़ी अव्वल दर्जे का है और मैं जीरन की नगरवासियों को धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ कि मेरे आते ही उन्होंने अपने हथेलियों पर मेरे चरण मेरे पाँव जीरन में धरती पे नहीं रख के उन्होंने अपने हथेलियों में रह के मेरे मंदिर दर्शन करवाए हैं। मैं नगरवासी जीरन का बहुत आभारी और धन्यवाद प्रकट अवर करता हूँ। और मेरे गांव से लगभग 60 जवान सेना में अभी कार्यरत हैं और आने वाले टाइम में उनका भी स्वागत इसी तरह से करेंगे। और मेरे नगर जीरन के जो देशभक्ति प्रेमी हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे की है। इससे मेरे को काफी गर्व महसूस हुआ कि मैंने 17 साल सेना में सर्विस किया है तो मैंने कुछ पाया और हासिल किया। वहीं फौजी के पिता लाल सिंह का कहना है कि आज जो स्वागत उनके बेटे का हुआ है उसे देखकर उनका सीना चौड़ा हो गया है। वे चाहते हैं कि गांव के ज्यादा से ज्यादा युवा फौज में भर्ती हों। गांव वालों ने जो उनके बेटे का स्वागत किया है उसके लिए वे सभी का धन्यवाद देते हैं। जीरन नगर के जितने भी निवासी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो मेरे बच्चे का ऐसा स्वागत किया, जो पहली बार ऐसा स्वागत हुआ जीरन में, इसके लिए मेरा गर्व से सीना बहुत चौड़ा हो गया। और मैं भविष्य में भी कामना करता हूं कि सभी आर्मी में जाए और ऐसा सम्मान पाए जैसे आज मेरे बेटे ने सम्मान पाया है। किस तरीके से स्वागत? वो जो स्वागत जगह जगह फूल मारा से स्वागत हुआ, खून से तिलक लगाया गया और जगह जगह लेडीज़ों ने स्वागत किया, तो मेरा मैं महसूस करता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरा बच्चा आज सेना में रिटायर होकर आया और ऐसा स्वागत हुआ। तो जीरन नगर में किया है सभी दादा का स्वागत। सर्वप्रथम जैसे जीरन नगर में पधारे हैं उसके बाद हथेलियों पे पैर रख के गणपति मंदिर में श्री गणेश जी के दर्शन करवाए गए, जिसमें बड़ा ही सभी को हर्ष महसूस हुआ, सभी समाजजन परिवार को भी। और बड़ी खुशी की बात है कि यह कार्य को देखकर आने वाली नव युवक युवा जो भी हैं उनसे प्रेरित होंगे, जिससे उनमें उमंग रहेगी कि ऐसा सम्मान पाना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। आपको बता दें जीरन के फौजी विजय बहादुर ने 17 साल 26 दिन की अपनी नौकरी में कारगिल, सियाचिन, ग्लेशियर, बटालिक, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जयपुर और शिमला में नौकरी कर सकुशल घर लौटे हैं। अब विजय बहादुर सिंह की दिली तमन्ना है कि उनके गांव के युवा फौज में भर्ती हों और साथ ही वे चाहते हैं कि उनके गांव के युवाओं को वे ट्रेनिंग दें। नीमच जिले के जीरन से 60 लोग वर्तमान में भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज़।